दोस्तों, यदि आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। सिंपल सा हम एक इमेजेस को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर रिज्यूम है। हम चाहते हैं ये रिज्यूम पीडीएफ फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाए, तो ये है डॉक्यूमेंट पेज। तो दोस्तों, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है और आपका कोई डॉक्यूमेंट पेज ड्रॉप हो गया है या फिर अलग से पीडीएफ के अंदर आपको सेट करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इमेजेस है डॉक्यूमेंट पेज की, है ना, अगर वर्ड एक्सेल का होना है तो वो भी हम इन फ्यूचर वीडियो में बताएंगे, है ना। तो फिलहाल हम इस इमेजेस को सेट करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है, बड़े ही आसानी से। सिंपल सा हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। पहली स्टेप, इस जेपीजी की हम पहले पीडीएफ बनाएंगे। तो सिंपल सा हम जाते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं स्मॉल पीडीएफ। एंड इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेना। एंड दोस्तों, आपको नीचे आना है। एंड यहाँ पर है आपकी जेपीजी टू पीडीएफ, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। एंड आप अपनी फाइल को यहाँ से अपलोड करेंगे। सिंपल सा हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। एंड हमारी ये डेस्कटॉप पर, तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर है इमेजेस, इसको हम अपलोड करते हैं। और भी हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही को रखना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर कन्वर्ट, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देते हैं। एंड फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको मिनिमाइज करते हैं। एंड यहाँ पर फाइल हम आपको दिखाते हैं, ये फाइल है एड रिज्यूम वाली, कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम कट करके डेस्कटॉप पर रखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी रिज्यूम वाली फाइल जिसमें रिज्यूम है। ठीक है, तो यह है वेटिस कंप्यूटर। इस फाइल के अंदर हम इस पेज को इंसर्ट कराएंगे। तो देखिए, ये है फाइल वेटिस कंप्यूटर वाली। ठीक है, तो इसमें रिज्यूम वाला कहीं पेज नहीं है। अब हमें इसे इंसर्ट कराना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो इंसर्ट कराएंगे। एंड इसको क्लोज करते हैं। एंड हम जाते हैं उसी वेबसाइट पर। एंड इसके सिंबल पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर स्मॉल पीडीएफ, इसको क्लिक करते हैं। एंड इस तरह से आपका ये होम पर आ जाएगा। एंड सी ऑल पीडीएफ, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा मर्ज पीडीएफ का, तो हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज पीडीएफ देखते हैं कहाँ पर है, ये है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से फाइल को अपलोड करते हैं। एंड स्विच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव से भी अपलोड करने की परमिशन है। हम सीधे कंप्यूटर लैपटॉप से करते हैं। एंड यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और अपनी वेटिस कंप्यूटर वाली फाइल को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर फाइल है, ये है, इस पर क्लिक करते हैं। एंड ओपन करते, अपलोड करते हैं। एंड मर्ज भी, एंड मर्ज पर हम क्लिक करते हैं। ये चेकबॉक्स है, चूज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर अब वो फाइल को हम अपलोड करेंगे जिसे हम मर्ज कर रहे हैं। सिंपल से एड मोर पर क्लिक करते हैं, चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर है हमारी एड ये वाली फाइल रिज्यूम वाली। ठीक है, इसको हम अपलोड करते हैं। तो देखिए, दोनों ही फाइल हो चुकी है अपलोड, है ना। एंड मर्ज पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं हमारा पेज कहाँ पे ऐड हो चुका है, वो नीचे होगा शायद। देखिए, नीचे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये पेज ऐड हो चुका है। तो कह सकते हैं आप पेज भी मर्ज करना हो गया ये, एंड फाइल को भी मर्ज करना होगा, एंड यहाँ पर आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ऐड करना भी हो गया। दोनों तीनों कंडीशन हो चुकी। अब यहाँ पर आप सीधा लिंक बना सकते हैं डाउनलोड का या फिर
ड्रॉपबॉक्स गूगल ड्राइव पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम डाउनलोड सिंपल सा कर लेते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में के डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। अब यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल समझाते हैं दिस पीसी एंड यहाँ पर है डाउनलोड एंड यहाँ पर है व्हाट इज कंप्यूटर। तो सिंपल हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड फाइल ओपन हो चुकी है। हम नीचे आते हैं, देखते हैं हमारा पेज यहाँ पर ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर ऐड हो गया। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कोई एंड अलग से कोई डॉक्यूमेंट पेज है या रह गया ड्रॉप हो गया तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।